देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है? दो पोलेरॉइड ए तथा बी परस्पर लंबवत रखे हैं, इसके बीच एक तीसरा पोलेरॉइड किस प्रकार रखा जाए कि बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ए पर आपतित आध्रुवित प्रकाश की तीव्रता से 1/32 हो जाए। मैं आपको बताऊं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है ये बेटा पोलराइजेशन से क्वेश्चन है आपका, और पोलराइजेशन क्योंकि 2021 के लिए सिलेबस में नहीं है तो इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, इसमें एक अथवा वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 अथवा वाला भाग, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन और है जिसको जो कि पोलराइजेशन से, तो वो तो हम कर नहीं रहे, हम लोग अथवा वाला भाग करेंगे और मैं पढ़ूंगा, आप भी ध्यान से सुनिए। लिखा है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है? अभी हाल ही में जब हमने मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवाया है तो उसमें हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखा भी गया है और आपको बताया भी गया है, इसलिए इसको मैं नहीं लिखूंगा, इसे आप मॉडल पेपर से देख के नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना क्या होगा, हेडिंग मैं बना के दे रहा हूं आपको, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, इसे आपको अपने आप से लिखना है। और जैसा कि मैंने बताया अभी जब हाल ही में हम आपको मॉडल पेपर करा रहे थे उसमें भी ये मैंने पूरा लिख के और आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो आप ये चीज अपने आप से करिए। इसके साथ एक न्यूमेरिकल लगा हुआ है, उस न्यूमेरिकल को देख लेते। तो जब ये लिख चुकीयेगा उसके बाद दो लाइंस छोड़ करके आप हेडिंग डालेंगे आंकिक भाग, न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट पे लिखा हुआ है, देखिए कुछ बातें बताई गई हैं तो उनको सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, गिवन क्या क्या हमको दिया गया है। लिखा है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश, एक कलर का। तो तरंग दैर्ध्य दी गई है और आप सभी जानते हो तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से लिखते हैं, और ये हमको दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम। एक वर्णी प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होता है। वायु से लाइट आती है और ग्लास है उसकी सरफेस पर यह प्रकाश आपतित होता है, और वो जो कांच है उसका जो अपवर्तनांक है म्यू जी ए, क्योंकि प्रकाश किरण कहां से आ रही है, वायु से, जा कहां रही है, कांच में। तो अपवर्तनांक किसका, कांच का, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो म्यू फॉर जी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये 1.5 दिया गया है। आगे लिखा हुआ है आपतित होता है, ठीक है। इनमें से निम्नलिखित में प्रत्येक की तरंग दैर्ध्य एवं चाल ज्ञात करिए। आपको दो चीजें पता लगानी है दोनों दशाओं में, दो पार्ट है यहां पर, मैं दोनों पार्ट अलग अलग कर देता हूं। पहला जो पार्ट है बेटा उसमें लिखा हुआ है अपवर्तित प्रकाश, अपवर्तित प्रकाश, अपवर्तित प्रकाश में कैसे, मैं इसको थोड़ा सा एक छोटा सा फिगर आपको बना के दिखाता हूं। ये लाइट ऐसे आती है, ये नॉर्मल है, और क्योंकि यहां पर एयर है और यहां पर ये ग्लास है तो एयर से ग्लास में जाएगी, मींस विरल से सघन में जाएगी, क्या होगा अभिलंब की और झुक जाएगी, ऐसे निकल जाएगी।
अपवर्ती प्रकाश में प्रकाश किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना पड़ रहा है। आपको दो चीजों के बारे में जानकारी देनी है, एक वेवलेंथ भी बतानी है कि अगर वो अपवर्तन होगा प्रकाश का तो उस समय वेवलेंथ कितनी होगी। थोड़ा ध्यान से आप देखिए, मैं इसको यहां लिख देता हूं। देखिए, अगर प्रकाश का अपवर्तन होगा इसका मतलब प्रकाश किरण वायु से कांच में चली जाएगी, तो आपको तरंग दैर्ध्य और चाल बतानी है। तो तरंग दैर्ध्य आप कहां बतानी है, कांच में। चाल भी कहां बतानी है आपको, कांच में। तो तरंग दैर्ध्य भी ग्लास में बतानी है और उसकी चाल भी आपको ग्लास के भीतर बतानी है। लेकिन जब परावर्तन होगा, परावर्तन देखिए मैं यहां पर उसके बारे में भी नोट करता हूं। जब परावर्तन होगा या परावर्तित प्रकाश, प्रकाश का जब परावर्तन होगा तो लाइट, ये मैंने मान लिया मिरर मैंने बनाया, ये नॉर्मल बना दिया, यहां से लाइट रे आई और परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए ऐसे चली जाएगी। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में बेटा ये डिफरेंस है कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो लाइट एयर से कहां चली जाती है, ग्लास में। और ये जितने भी जानकारियां हमको दी गई हैं ये सब, अगर ये तरंग दैर्ध्य है तो ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वायु में, एयर में। और ये जो अपवर्तनांक है वो कांच का अपवर्तनांक दिया गया है वायु के सापेक्ष। तो अगर आपको अपवर्तित प्रकाश होगा तो ये वाला प्रकाश कौन सा प्रकाश होगा, यही तो अपवर्तित किरण है, तो ये अपवर्तित प्रकाश है। इसका मतलब अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी चाहिए आपको, अपवर्तित प्रकाश की वेग भी चाहिए कि इतनी स्पीड में वो लाइट चलेगी ग्लास के अंदर जब एंटर करेगी। तो दूसरी चीज, परावर्तित प्रकाश होगा तो जिस माध्यम से जाएगा उसी माध्यम में लौट आएगा। इसका मतलब है परावर्तित प्रकाश को अपना मीडियम चेंज नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आई? और अगर लाइट अपना मीडियम चेंज नहीं करेगी तो जितनी स्पीड उसकी है उतनी ही रहेगी, जितनी उसकी वेवलेंथ है उतनी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस दशा में परावर्तित प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होगी, परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य उतनी ही होगी जितनी एयर में है। क्यों? क्योंकि लाइट अभी भी एयर में आई और अभी भी एयर में ही जा रही है, मीडियम चेंज नहीं हुआ, इसलिए वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। तो जो तरंग दैर्ध्य होगी वो अभी भी 6000 एंगस्ट्रॉम ही आएगी। स्पीड की अगर बात करेंगे हम, चाल, परावर्तित प्रकाश की चाल, तो परावर्तित प्रकाश की चाल उतनी ही रहेगी जितनी वायु में, क्योंकि वायु में ही है। जो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट है ये एयर में ही तो है, और वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वायु में प्रकाश की चाल होती है। इसलिए जब परावर्तन होगा तो ना तो तरंग दैर्ध्य बदलेगी और ना ही तो उसकी चाल बदलेगी, दोनों सेम वही रहेंगे जो एयर में है। ठीक, अब दूसरा पार्ट देखिए, जो अपवर्तित प्रकाश के बारे में अगर आप बात करेंगे, ये परावर्तित प्रकाश था सेकेंड पार्ट, ये अपवर्तित प्रकाश। अपवर्तित प्रकाश में किरण या जो लाइट है वो आती तो एयर से है, लेकिन इस समय अपवर्तन के बाद उसको कहां ट्रेवल करना पड़ रहा है, ग्लास में। तो ग्लास में जब चल रही है उस समय वेवलेंथ भी बतानी है, उस समय चाल भी बतानी है। और दोनों के लिए आपको फॉर्मूला पहले से मालूम है, मैं आपको बता देता हूं। ग्लास के अंदर लाइट की तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला जो होगा वो होगा एयर में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बटे अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक, ये फॉर्मूला रहेगा। तो आप जब लैम्डा जी इज इक्वल टू लैम्डा ए, तरंग दर्द एयर में कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम,
तो 6000 अपॉन म्यू जी ए, ये 1.5 है, ठीक है। आप जब बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो ग्लास के अंदर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की वैल्यू इससे डिवाइड करेंगे, ये 4000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। डिवाइड तो कर ही लेते हैं आप, ठीक। अच्छा, ये तरंग दैर्ध्य आ गई ग्लास में, अब चाल भी बतानी है। चाल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई? ग्लास के भीतर प्रकाश की चाल बराबर निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल और अपॉन में अपवर्तनांक। तो ये फॉर्मूले बहुत याद रखिए, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल ऑप्शनल क्वेश्चन में भी आते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। तरंग दैर्ध्य के लिए किसी भी माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अगर चाहिए तो वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अपॉन उस माध्यम का अपवर्तनांक। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल चाहिए तो वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम का अपवर्तनांक। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, वी जी सी की वैल्यू कितनी, 3×10⁸, म्यू जी ए की वैल्यू कितनी, 1.5 मतलब डेढ़, और डेढ़ से तीन दो बार में कट जाएगा, डेढ़ दूना तीन, इसलिए वी जी की वैल्यू निकल के क्या मिलेगी आपको, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वी जी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अगर लाइट अपवर्तित होगी तो वेवलेंथ और स्पीड दोनों बदल जाएंगे। तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी कांच के अंदर, 4000 एंगस्ट्रॉम जो कि एयर में 6000 एंगस्ट्रॉम थी। स्पीड कितनी हो जाएगी, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड जो कि एयर में लगभग कितनी थी, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन की स्थिति में, क्योंकि प्रकाश किरण को अपना माध्यम चेंज नहीं करना पड़ता, एयर से ही आई है, एयर में ही जा रही है, दोनों बार उसका मीडियम सेम है, इसलिए परावर्तित प्रकाश का ना तो वेवलेंथ बदलेगा ना परावर्तित प्रकाश की चाल बदलेगी, तीव्रता बदल जाएगी उसकी। क्यों? क्योंकि जब लाइट इंसिडेंट हुई है तो ये मिरर में थोड़ी बहुत प्रकाश की जो तीव्रता होगी, इंटेंसिटी, एनर्जी उसकी एब्जॉर्ब हो गई होगी, जिसकी वजह से जो लाइट निकलेगी परावर्तित होकर जाएगी उसकी चमक में थोड़ी कमी आ जाएगी, लेकिन ये वेवलेंथ और स्पीड उसकी नहीं बदलेगी। समझ आ रहे हैं आपको? तो स्ट्राइक करने की वजह से थोड़ा चमक भले कम हो जाएगी, लेकिन बाकी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा वाला भाग है। अथवा वाला भाग में दो क्वेश्चन थे, एक हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत बताना था, वो मैंने बोला भी हाल ही में एक मॉडल पेपर हल कर रहे थे उसमें आया था, आप वहां से ले सकते हो। इसी में एक अंकिक भाग भी लगा हुआ था, ये उसका न्यूमेरिकल पार्ट मैंने बना दिया। तो ये कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 6। समझ आ गया आपको? इसका आंसर नहीं दिया, इसमें दिया है वेवलेंथ, दिया है स्पीड, नहीं दी उन्होंने चाल, दी है चाल, नहीं दी है। चलिए कोई बात नहीं, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, आप भी ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लिखा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों का उल्लेख कीजिए। आपने एक घटना पढ़ी है प्रकाश से रिलेटेड, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें आपने क्या पढ़ा था कि अगर किसी धातु के पृष्ठ पर लाइट के फोटॉन्स आकर आपतित होते हैं तो धातु के पृष्ठ के अंदर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलते थे उनको प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन बोला जाता था। अगर उन इलेक्ट्रॉनों को हम कोई सर्किट दे दें जिसमें वो फ्लो होकर करंट बनाएंगे तो उस करंट का नाम हम रखते थे फोटो करंट, प्रकाश वैद्युत धारा उसको बोला जाता है। तो इसके बारे में आपको यह करना है कि इसके जो नियम है उनका उल्लेख करना है कि क्या क्या रूल्स इसके बनाए गए। तो लेनार्ड और मिलिकन ने इसके एक्सपेरिमेंट किए हुए थे, लेनार्ड और मिलिकन ने इसके एक्सपेरिमेंट किए हुए थे। तो वो जो एक्सपेरिमेंट के बाद वो जो नियम बन के मिले उन नियमों को बताना है आपको। और मैं आगे पढ़ता हूं फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन।
का सॉल्यूशन, आई तीव्रता तथा न्यू आवृत्ति का प्रकाश, एक लाइट है जिसकी तीव्रता आई है और न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है, का प्रकाश डब्ल्यू कार्य फलन वाले धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है। मतलब एक ऐसे धातु के पृष्ठ पर गिरता है जिसका कार्य फलन डब्ल्यू है। कार्य फलन का मतलब कम से कम डब्ल्यू के बराबर जब एनर्जी आप देंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट होंगे। प्रकाश विद्युत धारा तथा फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा? आपको यह बताना है कि प्रकाश विद्युत धारा और फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है उसकी वैल्यू किस तरह से बदलती है अगर आपतित प्रकाश की फर्स्ट पार्ट है तीव्रता समान हो लेकिन आवृत्तियां अलग अलग हो, दूसरा आवृत्ति समान हो और तीव्रताएं भिन्न भिन्न हो। तो एक क्वेश्चन ये है, इसमें एक अथवा वाला पार्ट भी है, तो पहले इसको करेंगे इसके बाद अथवा वाला पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आंसर लिख रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, यही तो हमारा क्वेश्चन है ना। देखिए क्या क्या नियम है, और अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो अभी आपको ध्यान आने लगेगा कि यही रूल्स निकल के आए थे। लेनार्ड तथा मिलिकन ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पर किए गए प्रयोगों के आधार पर निम्न नियम दिए थे। तो लेनार्ड और मिलिकन ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसके बेसिस पर जो रूल्स निकले वो उन्होंने बताए। नंबर 1, किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर का क्या मतलब होता है? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर का मतलब है 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बस समझ में आई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड, 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी संख्या को उत्सर्जन की दर बोलते हैं। धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब धातु के पृष्ठ पर जितनी ज्यादा तीव्रता की लाइट आप डालेंगे, जो लाइट आ रही है उसकी तीव्रता जितनी ज्यादा होगी हर 1 सेकंड में उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे अगर 100 वॉट का बल्ब आपने लगाया तो लाइट की कुछ तीव्रता होगी, 100 वॉट बल्ब लगाने से लाइट की जो तीव्रता है उससे अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं तो 500 वॉट का बल्ब लगाने से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे वो 500 बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगी। आपतित प्रकाश की तीव्रता जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे धातु के पृष्ठ से निकलने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 सेकंड में बढ़ती चली जाएगी, वो बताया गया फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। मींस अगर आप ने 100 वॉट का बल्ब लगाया और यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं बाहर, उनकी अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो जब आप तीव्रता बढ़ा देंगे 500 वॉट का बल्ब लगा देंगे तो इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी लाइट की, इंटेंसिटी बढ़ा दी तो अब क्या होगा? आंसर है, अब पहले की तुलना में इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा निकलेंगे, अब पर सेकेंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जितनी गतिज ऊर्जा बेटा पहले निकल रही थी, जितनी गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पहले 100 वाट बल्ब लगाने से आ रहे थे, उतनी ही गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन 500 वाट का बल्ब लगाने से भी निकलेंगे। तो आपने क्या बदल दिया? तीव्रता, लेकिन क्या नहीं बदली? गतिज ऊर्जा नहीं बदली। तो अगर आप तीव्रता बढ़ाएंगे भी तो भी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वही लिखा गया है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। थर्ड रूल जो बना वो लिखा हुआ, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने से बढ़ती है। अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति के बढ़ाने से बढ़ती है। अगर आप आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दोगे तो पर सेकेंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अब वो पहले की तुलना में ज्यादा पावरफुल होंगे, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले निकलेंगे। तो तीव्रता बढ़ाने से क्या बढ़ती है?
पर सेकेंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आवृत्ति बढ़ाने से क्या, सॉरी हाँ, आवृत्ति बढ़ाने से क्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। फोर्थ पॉइंट है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति, जिसे आप देहली आवृत्ति कहते थे, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर एक न्यूनतम आवृत्ति अर्थात देहली आवृत्ति से कम है तो फिर धातु के पृष्ठ से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। मतलब जैसे ये मेटल है, आपने इस पे लाइट डाली और उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस धातु के देहली आवृत्ति से भी कम है, थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम है। अगर थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो एक भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन एडमिट नहीं हो सकता यहां से। नहीं समझ में आया? अच्छा, आगे है, या देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। आप कॉपर लीजिए, उसके लिए देहली आवृत्ति अलग मिलेगी, एल्यूमिनियम के लिए थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगी और जिंक के लिए अलग होगी। जो भी आप मेटल लेते जाएंगे उन सब के लिए, आयरन के लिए थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो जितनी भी धातुएं हैं सबके लिए ये देहली आवृत्ति अलग अलग होती है। और देहली आवृत्ति से नीचे का प्रकाश, नीची आवृत्ति का प्रकाश धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकेगा। उससे ज्यादा आवृत्ति की लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो सकते। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा गया है, प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही, प्रकाश जैसे ही धातु के पृष्ठ पर गिरा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि धातु के पृष्ठ पर जो मेटल सरफेस है उस पर लाइट ऐसी गिरी, जैसे ही लाइट गिरी तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल आता है। ऐसा नहीं होता कि लाइट गिरी है उसके बाद 5 मिनट लगेंगे सबको एनर्जी एक्वायर करने में और इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे ही लाइट यहां पर आपतित होगी तुरंत यहां से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब धातु के पृष्ठ पर लाइट के गिरने, प्रकाश के गिरने और वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने के बीच कोई टाइम लैग नहीं होता, कोई समय पश्चता नहीं होती। जैसे ही लाइट गिरती है तुरंत प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल भी देर नहीं लगती, माइक्रोसेकेंड के बराबर का भी टाइम नहीं लगता और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। तो वही लिखा, प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश के पृष्ठ पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के पृष्ठ से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो जाए। आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा लीजिए लेकिन, या कितनी भी कम कर लीजिए, लाइट की तीव्रता कितनी भी कम कर लो, अगर आवृत्ति देहली आवृत्ति से ऊपर है तो लाइट के गिरते ही इलेक्ट्रॉन निकल पड़ेगा, बस जरा सा भी समय पश्चता नहीं मिलेगी आपको। तो ये है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कुछ नियम, समझ आ गया? अच्छा, इसके बाद इसमें जो और एक क्वेश्चन लगा रखा था इन्होंने कि आई तीव्रता तथा न्यू आवृत्ति का प्रकाश डब्ल्यू कार्य फलन वाले धातु के पृष्ठ पर पड़ता है, प्रकाश विद्युत धारा तथा फोटो इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा जबकि आपतित प्रकाश की, नंबर वन तीव्रता समान और आवृत्तियां भिन्न भिन्न है, नंबर दो आवृत्ति समान और तीव्रताएं भिन्न भिन्न है। तो देखो एक फिर हेडिंग हमने बनाई, क्या हेडिंग बनाई गई, प्रकाश विद्युत धारा तथा फोटो इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम गतिज ऊर्जा के मान में परिवर्तन, फर्स्ट पार्ट। वही तो उन्होंने पूछा है, फर्स्ट पार्ट, जब आपतित प्रकाश की तीव्रता समान है और आवृत्ति भिन्न भिन्न है। अब आप खुद मुझे बता सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों को पढ़ने के बाद इतना आइडिया तो आपको मिल ही जाएगा कि अगर तीव्रता समान है और आवृत्ति अलग अलग है, तीव्रता समान है तो बताइए क्या नहीं बदलेगा? हाँ, पर सेकेंड निकलने इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलेगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलेगी तो करंट नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, NeAvD, I is equal to NeAvD। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बदलेंगे तो करंट चेंज नहीं होगी। तीव्रता आवृत्ति बदलने से क्या बदल जाती है,
अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो पहले वाले पार्ट में क्या होगा, करंट का मान नहीं बदलेगा लेकिन उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भिन्न भिन्न होगी। वही लिखा गया, प्रकाश विद्युत धारा परिवर्तित नहीं होगी, धारा परिवर्तित नहीं होगी परंतु फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा भिन्न भिन्न होगी। क्यों? क्योंकि आवृत्ति अलग अलग है। सेकेंड पार्ट क्या बोला गया था कि जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति समान हो और तीव्रताएं भिन्न भिन्न हो। अब अगर बेटा आवृत्ति समान है तो क्या समान रहेगा, गतिज ऊर्जा। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा समान रहेगी और अगर तीव्रताएं भिन्न भिन्न है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो जाएगी, संख्या अलग अलग होने से करंट बदल जाएगी। तो फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा समान रहेगी परंतु प्रकाश विद्युत धारा भिन्न भिन्न होगी। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 का ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 में एक अथवा में एक पार्ट लगा हुआ है तो उसको हमने यहां पर किया है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला भाग, ठीक है, अथवा वाला भाग में क्या है लिखा हुआ है, द्रव्य तरंगे क्या होती हैं? तो या यांत्रिक तरंगों तथा वैद्युत चुंबकीय तरंगों से किस प्रकार भिन्न होती हैं? तो आपको पहले तो ये बताएं द्रव्य तरंगे क्या होती हैं। द्रव्य तरंगों की परिकल्पना किसने दी थी? दे ब्रॉगली ने, जो मैटर वेव्स बोला गया था। क्या होती है मैटर वेव्स? देखो यहां लिखा हुआ है, मैं इसी को पढ़ देता हूं, पर आप चुके ही हैं पहले से भी तो आपको ये पढ़ देने से समझ आ जाएगा। द्रव्य तरंगे हमने हेडिंग बनाई और उसको डिफाइन कर रहे हैं। लिखा हुआ डी ब्रॉगली के अनुसार प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाएं सममिति पर आधारित होती हैं। ये आप पहले से भी जानते हो दैट नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर को सममिति पसंद है। अगर बाहर धूप निकली है तो हम और आप दोनों लोग खड़े हो जाएंगे तो जितनी धूप आपको मिलेगी उतनी ही धूप हमको भी मिलेगी। नेचर कभी भेदभाव नहीं करता कि एक ही जगह आप दोनों लोग खड़े हैं तो आपको ज्यादा धूप दे देगा हमको कम दे देगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए नेचर की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं या जितनी भी हमारा जो नेचर है वो कभी भी भेदभाव नहीं करता, ये हमेशा सिमेट्री पर डिपेंड करता है और ये सिमेट्रिसिटी को फॉलो करता है, सममितता पर आधारित होती है इसकी सारी घटनाएं। अतः यदि विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, क्योंकि इसके पहले लाइट का हम दोहरा नेचर प्रूफ कर चुके थे, लाइट का वेव नेचर भी प्रूफ कर चुके थे, कौन से एक्सपेरिमेंट से, विवर्तन व्यतिकरण में लाइट का हमने कौन सा नेचर एग्जिबिट हुआ, वेव नेचर। इसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव पड़ा, वहां लाइट का कौन सा नेचर माना गया, पार्टिकल नेचर। तो क्योंकि रेडिएशन के पास द्वैत प्रकृति होती है, दोनों नेचर होते हैं, तो पदार्थ की प्रकृति भी द्वैत होनी ही चाहिए। मटेरियल का नेचर भी, मटेरियल का नेचर हम कौन सा मानते रहे हैं, पार्टिकल। लेकिन दे ब्रॉगली की परिकल्पना के अनुसार अगर नेचर ने रेडिएशन को ड्यूअल नेचर दिए हैं, वेव और पार्टिकल दोनों नेचर दिए हैं, तो मैटर के पास भी पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होने चाहिए, होनी ही चाहिए। अर्थात पदार्थ जब गति करे तो उसे तरंग की भांति गति करना चाहिए, क्योंकि पदार्थ कण की तरह चलता है, ये तो हम पहले से भी मान रहे हैं ना। लेकिन पदार्थ तरंग की भांति गति करेगा, ऐसा होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि नेचर लव्स सिमेट्री। अच्छा, अब इस सब के बताते हुए डी ब्रॉगली ने द्रव्य तरंगों के बारे में क्या बताया, देखो। इस प्रकार डी ब्रॉगली के अनुसार जब कोई पदार्थिक कण, कोई भी मटेरियल पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जब कोई पदार्थिक कण गति करता है तो उसके चारों ओर तरंगों का एक पैकेट भी गति करता है या तरंगों का एक पैकेट अटैच हो जाता है। जैसे एक पार्टिकल ऐसा थ्रो किया जाता है उसके चारों तरफ तरंगों का एक पैकेट अटैच हो जाता है और वो भी पार्टिकल के साथ साथ ऐसे चलता है, तथा उस कण की गति को ये तरंगे ही नियंत्रित करते हैं। वो जो पार्टिकल अंदर जा रहा है उसकी मोशन को ये वेव ही कंट्रोल करती है। वो पार्टिकल उन वेव्स के भीतर कहां पर है, अनसर्टेन। उस पार्टिकल का मोमेंटम कितना है, संवेग कितना है, अनसर्टेन।
ये हमको नहीं पता, लेकिन ये उन्होंने बताया कि नियंत्रित करती हैं। अतः किसी पदार्थिक कण जैसे इलेक्ट्रॉन से संबद्ध इन तरंगों को ही द्रव्य तरंगे कहा जाता है। बात समझ आ रही है? तो ये द्रव्य तरंगों को डिफाइन कर दिया हमने। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन उसमें और लगाया है बेटा इन्होंने कि यह यांत्रिक तरंगों तथा वैद्युत चुंबकीय तरंगों से किस प्रकार भिन्न होती हैं? कौन? द्रव्य तरंगे। तो जो द्रव्य तरंगे हैं वो यांत्रिक तरंगों और वैद्युत चुंबकीय तरंगों से किस प्रकार भिन्न है? तो जब ये लेसन चल रहा था तो आपको ये सारी बातें बताई गई हैं। बहुत डिटेल में देखना है तो आप फिर से एक बार वीडियो में जाके देख सकते हैं। फिलहाल यहां पर हमने लिखा भी है, देखिए आप इसको भी पढ़िए, मैं पढ़ता हूं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आप द्रव्य हेडिंग बनाई, देखो हमने, मैंने आपको बोला कोई भी काम करने चलिए लिखावट में आप तुरंत उसका एक हेडिंग बनाइए। आप देखिए न्यूज़पेपर में जब भी कोई पॉइंट लिखते हैं सबकी अपनी एक हेडिंग बनी होती है, कोई ज्यादा मोटी तो कोई थोड़ी कम मोटी। बात समझ रहे? लेकिन हर चीज छोटी छोटी बातें भी वो क्या करके लिखते हैं, हेडिंग बना के लिखते हैं, उसका एक अलग इफेक्ट आता है एग्जामिनर पर, एक अलग प्रभाव उसकी, एक अलग छाप पड़ती है। अगर आप हेडलाइंस बना के लिखते हैं, साफ सुथरी लिखावट रखते हैं, ज़्यादा काटा पीटी नहीं करते हैं, तो उसका एक अलग प्रभाव रहता है टीचर पे और वो खुशी में भी नंबर बढ़ जाते हैं। आप याद रखिए, अगर चेक करने वाला खुश हो रहा है आपकी कॉपी देखकर तो श्योर है कि दो चार नंबर तो बढ़ ही जाने आखिरी तक आपके। बात समझ रहे? और अगर आपकी कॉपी बड़ी गंदी लिखी हुई है, आपने ये सारा कुछ अच्छे से नहीं किया हुआ है, तो श्योर है कि दो चार नंबर लास्ट तक तो इस वजह से कट जाने आपके, है ना? चलिए खैर, तो इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल करके देता हूं, आप ऐसे ही लिखावट करिएगा। अब देखो मैंने हेडिंग क्या बनाई, द्रव्य तरंगों की यांत्रिक तथा वैद्युत चुंबकीय तरंगों से भिन्नता, ये हमने हेडिंग बनाई। और इसमें क्या लिखा वैसे मैं आपको बता दूं, फिर पढ़ देते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनमें, गौर से सुनिएगा मेरी बात, यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ नहीं चलता बल्कि ऊर्जा और संवेग चलता है। लेकिन यांत्रिक तरंगों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा और संवेग गति करता है, मटेरियल नहीं चलता, और यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ये यांत्रिक तरंगे हो गई। बात समझ में आ गई आपको? नहीं समझ आया? क्या मैंने बताया यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता होती है? आप चाहें तो यहां जोड़ सकते हैं। क्या मैंने बताया? मैंने बताया इनमें, इनमें मतलब किनमें? यांत्रिक तरंगों में, इनमें पदार्थ गति नहीं करता केवल ऊर्जा तथा संवेग ऊर्जा तथा संवेग स्थानांतरित होता है। बात समझ आई आपको? तो यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता होती है। इनमें, इसके बाद ये लिख लोगे आप, इनमें पदार्थ गति नहीं करता केवल ऊर्जा तथा संवेग स्थानांतरित होता है। क्लियर? अच्छा, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखिए माध्यम की जरूरत ही नहीं पड़ती। इनमें कौन एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ये थोड़ी सी आपको असुविधा हो रही होगी लेकिन आप लिखेंगे और ज्यादा मैटर अच्छा बनेगा। ठीक है, आवश्यकता नहीं होती इनमें, इनमें किनमें? विद्युत चुंबकीय तरंगों में। ठीक है, इनमें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों
का संचरण होता है? बेटा ध्यान रहेगा, और आगे देखो, तथा जो द्रव्य तरंगे होती हैं वो स्वयं पदार्थिक कण से संबद्ध होती हैं। इसमें पदार्थिक कण को स्वयं चलना पड़ता है, मैटर पार्टिकल चलता है उससे अटैच होके वेव्स चलती हैं, ठीक है। वो स्वयं पदार्थिक कण से संबद्ध होती हैं, इसमें पदार्थिक कण को स्वयं चलना पड़ता है। इनमें पदार्थिक कण को स्वयं चलना पड़ता है। अब एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं, आई एम सॉरी कि आपको काफी असुविधा हुई है, लेकिन आप ऐसा लिखोगे तो मैटर ज्यादा अच्छा बनेगा। मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुने सभी लोग। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके बाद क्या लिखेंगे आप? इनमें पदार्थ गति नहीं करता, केवल ऊर्जा तथा संवेग स्थानांतरित होता है। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इनमें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का संचरण होता है। तथा जो द्रव्य तरंगे होती हैं वो स्वयं पदार्थिक कण से संबद्ध होती हैं, इनमें पदार्थिक कण को स्वयं चलना पड़ता है, पार्टिकल चलता है उसी के साथ वेव चलती हैं। नहीं समझ में आया आपको? अच्छा, इसके बाद इसी में एक न्यूमेरिकल लगा हुआ है, तो उस न्यूमेरिकल पार्ट को मैं यहां पर आपको करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है इसको मैं यहां पर कर देता हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दो क्वेश्चन थे, एक यहां पर हमने किया था, उसका अथवा वाला पार्ट चल रहा है, और उस अथवा वाले पार्ट में भी एक न्यूमेरिकल लगा हुआ है, ठीक है। उसको हम लोग करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल पार्ट अंकिक भाग। देखिए मैं पढ़ता हूं, आप भी गौर से सुनिएगा। लिखा है, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या की कक्षा में 2.2×10⁶ मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात करिए। मैं पहले वो लिख लेता हूं जो जो चीजें हमको दी गई हैं। क्या क्या दिया गया है? एक तो त्रिज्या दे दी गई है 0.5 एंगस्ट्रॉम। इसे बेटा आप मीटर में अगर बदलेंगे तो 10⁻¹⁰ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। R इज इक्वल टू 5×10⁻¹⁰ मीटर। एक तो ये बात दी गई है आपको, और उसकी स्पीड दी गई है कि कितनी स्पीड में वो चक्कर लगा रहा है, 2.2×10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये दो बातें आपको बताई गई हैं, ठीक। इसके बाद क्या लिखेंगे? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? लिखा हुआ है इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। वैद्युत धारा आई इज इक्वल टू ?, ये आपको ज्ञात करना है। इसके बाद अब इसका हम हल कर देंगे। क्या हल करना पड़ेगा हमको? क्या आपको मालूम है ऐसा कोई फॉर्मूला जो आई को, इलेक्ट्रॉन अगर एक वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है वी वेलोसिटी से आर त्रिज्या के मार्ग में, तो वो कितनी करंट बनती है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है? आई इज इक्वल टू ईवी अपॉन 2πr। ये आप सभी को फॉर्मूला याद रखना है, इससे आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए, आई इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6×10⁻¹⁹, वी इलेक्ट्रॉन का वेग है जो कि 2.2×10⁶ लिखा हुआ है,
2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 2 पाई आर, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22 अपॉन 7 और आर की जगह पर ये लिख देंगे 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर दीजिए जरा। देखो बेटा, इसका पॉइंट हटाएंगे, यहां एक जीरो बढ़ा सकते हैं, एक डिजिट पे पॉइंट था, पॉइंट हटाया, नीचे जीरो बढ़ा दिया, 22 से 22 कैंसिल कर दिया। इससे आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यह 7 पलट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 7 पलट के ऊपर आएगा, 1.6 से गुणा करेगा तो 1.6 इंटू 7 करेंगे, 16 सत्ते 112 कितने हो जाएंगे, 112। एक नंबर पे पॉइंट लगाना पड़ेगा तो 11.2 इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। और क्या बचा साथ में, आप ध्यान से देखिए, 10 टू द पावर माइनस 19 ये वाले, 6 ये वाले हो गए, गुणा में घातें जुड़ती है ना, प्लस कर दिया। और यहां नीचे और क्या क्या बचा बताइए, 2 बचा, 50 बचा, तो 50 का गुणा 2 से करोगे क्या मिलेगा, 100 मीन्स 10 टू द पावर 2, वो 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर माइनस 11 से मल्टीप्लाई करेगा, 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, 10 टू द पावर माइनस 9 वो ऊपर आ जाएगा, प्लस 9। समझ आ गया आपको, अब इसे और सॉल्व कर लो, 11.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, आप चाहें तो एक नंबर डेसिमल और बढ़ा सकते हैं, पॉइंट तो 1.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और किसकी वैल्यू निकाली है, करंट की, तो इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर। तो जो भी इलेक्ट्रॉन इतनी रेडियस के मार्ग में इतनी स्पीड में चक्कर लगा रहा है उसकी वजह से इतने एम्पियर करंट बन जाएगी, 1.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर के बराबर करंट बनेगी। समझ आई बात आपको, तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, इसके बाद हमारे जो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, अब ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन कंप्लीट किए, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन नंबर 7, और इनको अच्छे से देखिए कैसे किया जाता है उसको समझने की कोशिश करें, और जब भी आप लिखावट करें बड़ी साफ सुथरी और सुंदर लिखावट करिए, उससे भी मार्क्स बढ़ने के बहुत चांसेस रहते हैं आपके। तो 8 और 9 दो ही क्वेश्चन केवल बेटा इस सेट में बचे हुए हैं, इनको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे लेकिन कल कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।